डेट 6 सितंबर 2019। जी हाँ, ये वो दिन था जो भारत के लिए और इसरो के लिए बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ था। जी, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की। हम सबको पता है चंद्रयान 2 इस दिन अबॉर्ट हो चुका था, या फिर बोलो तो फेल हो चुका था। वो रीज़न बस इतना सा था कि कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिच हुआ, जिसके कारण लैंडर से जो कांटेक्ट था वो हट गया था। लेकिन हमारे साइंटिस्ट इतने भी कमज़ोर नहीं थे। उन्होंने सोच रखा था, भाई इस बार चलो फेल हो गए, अगली बार ज़रूर कोशिश करेंगे और उस टाइम इस प्रॉब्लम को हमें नहीं देंगे। और हम सबको पता है अभी कुछ टाइम पहले ही चंद्रयान 3 को भी हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने लॉन्च कर दिया है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 and lift off of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. और हम सब दिल से दुआ मांगते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेस हो। खैर, ये तो है आजकल की बात है। क्या आपको पता है ये जो इतनी बड़ी टीम थी इसरो, ये बनी कैसे थी और फर्स्ट रॉकेट उड़ाया कब था? कभी जानने का कोशिश किया है? चलो आज बताते हैं। अगर देखा जाए तो नासा के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, पर हमारे इसरो के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे। और अगर हम बात करें फर्स्ट रॉकेट की, तो वो 1920 से ही स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, और उस टाइम भारत के पास इतना भी इनकम नहीं हुआ करता था कि वो जो चाहे जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। हम सबको पता है मार्स मिशन भी जब लॉन्च हुआ था, तो अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया ने वो अजूबा करके दिखाया है जो किसी के भी बस में नहीं है। जी हाँ, मार्स मिशन पहले अटेम्प्ट पर पहुँचना ये कोई आम बात नहीं है, वो भी बहुत ही कम बजट के साथ। अगर हम बजट को कैलकुलेट करें तो देखा जाएगा कि एक किलोमीटर का सिर्फ 5 रुपये लगा है, सिर्फ 5 रुपये। अगर हम देखें ना, तो आज के टाइम पे एक ऑटो वाला भी 1 किलोमीटर का 10 रुपये लेता है। और उतने कम बजट के साथ हमारे साइंटिस्ट ने ये अजूबा करके दिखा दिया था। तो अगर हम बात करें 1920 की, तो उस टाइम भी ऐसे ही साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनके पास इतनी इनकम तो नहीं थी, इतना स्रोत तो नहीं था पैसे का, पर उन्होंने भी बहुत ही बड़ा अजूबा करके दिखाया था। 1920 में फर्स्ट रॉकेट बनाने का काम शुरू तो हो गया, और इसको बनाने के लिए 3 साइंटिस्ट ने पूरा का पूरा योगदान दिया था। पहले साइंटिस्ट का नाम है CV रमन। ये इन्होंने ही स्टार्टअप किया कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि रॉकेट अगर हम बनाएं तो ये जो रॉकेट है वो चांद तक पहुंच सकता है। दूसरे साइंटिस्ट थे SK मिश्रा, जिन्होंने बोला कि हाँ, आप सही कह रहे हो, और इन्होंने भी अपना पूरा टाइम इस रॉकेट के पीछे इन्वेस्ट किया। तीसरे साइंटिस्ट थे मेघनाथ साहा, इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पूरा योगदान दिया, और इन्होंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया 1920 में। लेकिन ये प्रोजेक्ट बन करके कंप्लीट होता है 1963 में। ऐसा कैसे हुआ वो देखो। 1920 में इन्होंने सोचा तो था कि बनाएंगे, पर उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च हो रहे थे जो इनके बस में नहीं था। तो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर करके थोड़े थोड़े पार्ट्स को इन्होंने बनाया, वो भी खुद से। पहले डिज़ाइन कंप्लीट किया, उस डिज़ाइन के अनुसार उन्होंने पार्ट्स को बनाना शुरू किया। और हम सबको पता है कि रॉकेट का पार्ट्स कितना बड़ा होता है, राइट? और उस टाइम इतनी सुविधाएं नहीं थी हमारे इंडिया में कि यहाँ से पार्ट्स हम दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो उस ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत खर्चा आने लगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर ट्रांसपोर्ट ही करना है तो क्यों ना हम साइकिल से करें, क्यों ना बैलगाड़ी का यूज करें। तो उन्होंने बैलगाड़ी का यूज करके, साइकिल का यूज करके एक पार्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उन्होंने उस सारे पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा किया, धीरे धीरे हर पार्ट्स को सेटअप किया। सेटअप करने के बाद उन्होंने लॉन्च करने का एक एरिया बनाया, वो लॉन्चिंग का एरिया उन्होंने सेट किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल की।
केरल के त्रिवंतपुरम में उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर हम रॉकेट को उड़ाएंगे। और हम सबको पता होगा कि उस टाइम इसरो के पास एक टीम नहीं थी और शुरुआत में कोई भी इनके पास कार्यालय नहीं हुआ करता था बैठक के लिए। उतने लोग ही नहीं थे तो बैठक किस बात का होता यार। पहले के लोग अगर कह देते कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से चांद पर जा सकते हैं, कोई नहीं मानता। तो वो लोग भी नहीं मानते थे, वो लोग भी बोलते थे यार तू पागल है क्या, ऐसा हो सकता है, चल खेती में ध्यान दे, ये सब में ज़्यादा मत सोच। ये होता था उस टाइम। पर हमारे साइंटिस्ट इतने कमज़ोर नहीं थे पहले से ही, उन्होंने ठान लिया था तो ठान लिया। उन्होंने बोला था कि नहीं भाई हम करके दिखाएंगे। टीम नहीं होने के कारण भी उन्होंने कभी ये चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया और अपने काम को लेकर के पूरे सीरियसनेस दिखाया। धीरे धीरे पार्ट्स को इकट्ठा किया, 1920 से लगे पड़े, 1940 में जा कर के पार्ट्स अच्छे से कंप्लीट हुआ था और कंप्लीट होने के बाद 1950 तक में उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया और 1950 में ही बहुत ही स्पीड से वर्क करना स्टार्ट हुआ था। क्योंकि उस टाइम तक धीरे धीरे लोग समझ गए थे कि नहीं, ये साइंटिस्ट लोग अब रुकने वाले नहीं हैं, ये ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और 1950 के बाद बहुत लोगों ने उनको सपोर्ट किया और तब जा कर के केरल के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बैठक रखा कि किस दिन इसको उड़ाया जाए, किस दिन इसको लॉन्च किया जाए। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमारे साइंटिस्ट ने फर्स्ट रॉकेट को लॉन्च किया 1963 में। और जैसे पता चला लोगों को कि ये रॉकेट जो है वो चांद तक पहुंच गया, सक्सेसफुल हो गया, तो बहुत ही वाहवाही की। और दो साल के अंदर, इट मीन्स 1965, फर्स्ट जनवरी 1965 को थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित किया गया। और उस स्थापना के बाद जनवरी 1967 में अहमदाबाद में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन बनाया गया। और इस तरह धीरे धीरे करते करते हमारा इसरो जो है आज कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। हम तो इन साइंटिस्ट लोगों के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर क्रिकेटर को जानते हैं तो साइंटिस्ट को भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो हमारे लिए ही सोचते हैं और हम अगर उन्हें नहीं जानेंगे तो यार फिर क्या फ़ायदा हमें इतने बड़े होने का। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।